वेलकम टू माय जियर ओडिया किचन। आज आम बनाएबा पनीर आउ पालंग को नहीं बहुत ही खट्टा मीठा आइटम टे। चलो तो बनाएबा एथि पूर्वर काइंडली मो वीडियो को लाइक शेयर करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करंतु। एठारे मु किछि पनीर कटा नहीं छी, किछि पालंग काटिकी रखी छी, ग्रीन मटर गोटे प्याज काटी छी, टमाटो कंचा लंका। एबे पात्र रे किछि तेल नेबा, तेल गरम होइगले आमे सेथिरे पनीर को पकाई देबा। एबे पनीर को बेसी डीप भाजिबार नहीं, हल्का गोल्डन ब्राउन हबा पर्यंत आमे पनीर को भाजी देबा। यदि प्रोसेस करबा को चाहुथिबे, पनीर को आहुरी सॉफ्ट करबा को चाहुथिबे, ताकु उसुम पानी रे पकाई कि संगे संगे छाणी देबे, पनीर अधिक सॉफ्ट रहइबो। तुम एठारे केवल पनीर को भाजुची, फ्लेम देखिकी हाई लो देखिकी रखिबे, नले पनीर लागिजिबो। पनीर आमर ऑलमोस्ट हे आसलानी। एबे पनीर को आमे काढ़ी देबा। एबे सही पात्र रे आउ किछ तेल नेबा। तेल गरम होइगले सेथिरे लंका पाउडर पकाइबा, कंचा लंका एवं प्याज। एबे सबु को आमे भलसे मिसेइ देबा। प्याज बेसी भाजिबा दरकार नहीं, हल्का भाजिबा दरकार, तेणु प्याज को आमे अल्प भाजिबा। प्याज हल्का भाजी होइगले सेथिरे आमे टमाटो पकाइबा। एबे प्याज टमाटो को भला से भाजी देबा, जेपरि टमाटो टिके सिझी जिवो। एबे एथिरे रसुण छेचा नै छी, चाहिले रसुण पेस्ट नै परिबे, म एथिरे रसुण छेचा नै छी। एबे सब को भला से मिसे देबा। ए सबु निज भितरे भलसे मिसी गले एबे एथिरे आमे कैप्सिकम पकेबा। एबे आकु भलसे गोळे कि 2 मिनिट ढांकुणी घोडे देबा। दुई मिनिट होय गलानी, एबे ढांकुणी काढिबा। एबे एथिरे ग्रीन मटर पकेबा, आवश्यक अनुसार हळदी पाउडर लुण देबा, जेपरी आग को आम एथिरे पनीर और पालंग पकेबा, तो सेथिप्रति दृष्टि देकी आम हळदी और लुण पकेबा। एबे एथिरे किछि करी पाउडर देबा। ए सब को भलसे मिसे देबा। सब हल्का भाजी होइगले एबे एथिरे अल्प पानी दे घोड़ाई देबा। कैप्सिकम टमाटो टिके हल्का सिझी जिबा पाई आमे घोड़ाई देले। एबे देखिबा कैप्सिकम, देखंतु आमर कैप्सिकम टमाटो
ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ଟିକେ ସୋୟା ସସ୍ ଦେବା, ଗୋଟେ ଚାମଚ ସୋୟା ସସ୍ ଦେବା। ଗୋଟେ ହାଫ୍ ସ୍ପୁନ୍ ନେଇଥିଲି, ଏବେ ଆଉ ହାଫ୍ ସ୍ପୁନ୍ ସୋୟା ସସ୍ ନେଉଛି। ଏବେ ସୋୟା ସସ୍ ସହ ଏସବୁକୁ ଭଲସେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଏବେ ଗ୍ରେଭିରେ ଆମର ବିଲକୁଲ ବି ପାଣି ନାହିଁ, ଏଥିରେ ଏବେ କଟା ପାଳଙ୍ଗ ପକାଇବା। ଆଦୌ ପାଣି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି, କାରଣ ପାଳଙ୍ଗ ଯେହେତୁ କଟା ହୋଇକି ରଖାହୋଇଛି ଏବେ ଏଥିରୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପାଣି ବାହାରିବ। ଏବେ ପାଳଙ୍ଗ ଟିକେ ହାଲକା ସିଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକୁ ଭଲସେ ମିଶାଇବା। ପାଳଙ୍ଗ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ନେଇନଥାଏ ସିଝିବା ପାଇଁ, ଆଉ ବହୁତ ସିଝାଇଲେ ତା'ର ଭିଟାମିନ୍ସ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ତେଣୁ ପାଳଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଅଳ୍ପ ସିଝାଇବା। ଏସବୁ ଭଲସେ ମିଶିଗଲା ପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ପନିର ପକାଇ ଗୋଳାଇ ଦେବା। ପନିର ପକାଇ ଭଲସେ ଗୋଳାଇଲା ପରେ ଏବେ ଏଥିରେ ଶେଷରେ ପନିର ପକାଇ ଗୋଳାଇକି ଢାଙ୍କୁଣୀ ଦେଇଦେବା। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଦେଇଦେବା, ଦେନ୍ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଖୋଲିଲା ପରେ ହାଫ୍ ଟିସ୍ପୁନ୍ ଆପଣ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଦେବେ, ଏବେ ଗୋଳାଇ ଦେବା, ବାସ୍ ହୋଇଗଲା। କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।